मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी माय चैनल माहीदीप क्रिएशन। आज है क्रिसमस, सो माहीदीप की ओर से आप सभी को हैप्पी मैरी क्रिसमस। और आज हमारे घर पे पार्टी है मैरी क्रिसमस की, और उसकी प्रिपरेशन हमने कल से स्टार्ट कर दी है। वो हम आपको इस ब्लॉग में कल दिखाएंगे। आज संडे है, कल मंडे को हमारा ब्लॉग आएगा। आज संडे को क्रिसमस है और इन्जॉय करेंगे, जब पूरे दिन का ब्लॉग हम आपको दिखाएंगे। सो गाइज, हम बना रहे हैं होममेड केक। हमने ये 2.5 लीटर मिल्क लिया था, इसको ओट लिया और इसमें थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से ऊपर से सेट करेंगे और फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रीजर में। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो निकल जाएगा, फिर इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे। सो आज की शुरुआत हमारे क्रिसमस की पहले केक से हुई है, फिर इसके बाद हम कुछ और प्रिपरेशन करेंगे। फिर हम इस तरीके से हमने ये सेट कर दिया है, अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में। इसको तेज कर देंगे। सो गाइस, आधी प्रिपरेशन हो गई है, केक भी रेडी हो गया है। रेडी मतलब अभी हमने जो खोआ बनाया था वो फ्रिज में अच्छे से सेट हो गया है। अब उसके ऊपर डेकोरेशन करनी है डेरी मिल्क की, और तब तक हम कर लेते हैं हमारे सेंटा की बैलगाड़ी रेडी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, दीदी वाह दीदी। सो बच्चों ने ये सेंटा के बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। किसी ने ये बनाया है और हम भी कुछ बनाने वाले हैं, तो देखते हैं। गाइज, ये मैं मैरी क्रिसमस का बैनर बना रही हूँ, और ये मैंने रात में ही बना के रख दिया था नाइट में, और क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से मैंने नाइट में ही बना के रख दिया था वो। सही है, परफेक्ट हूँ, सेंटर ही में पक लेते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये बनके रेडी हो गया है। मैरी क्रिसमस। डेरी मिल्क कैडबरी है, इसमें मैंने मिल्क की मलाई और डेरी मिल्क थोड़ा सा मेल्ट कर लिया, और उसके बाद हमने इसमें डेकोरेट किया। इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेंगे, और नेक्स्ट मैंने बादाम किस लिया आधे में और पीनट से इसे सेट कर लिया, थोड़ा सा डेकोरेट किया, और चॉकलेट्स इसमें डेकोरेट करने के लिए रख दी। बच्चों के लिए समोसे भी बना रहे हैं। क्रिसमस की पार्टी चल रही है, समोसे बनाए जा रहे हैं, बढ़िया गर्मा गर्म समोसे, चटनी और रायते के साथ खाए जाएंगे। क्या आज पार्टी में आओगे आप? आज शाम को पार्टी है, आओगे? नहीं आओगे? क्रिसमस की पार्टी है, आओगे? हाँ। आना, रेड कपड़े पहन के आना, रेड ड्रेस। ओके, ये किसने बनाया? ये सांता? मैंने बनाया। आपने बनाया? हाँ। आपको स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था? ये है बच्चों की क्रिएटिविटी, उन्होंने सांता बनाए हैं, तो हम इनको अभी पार्टी में शामिल करेंगे। अभी शाम को आना पार्टी में, ओके? अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना, ओके? हाँ, पीहू दीदी को, और कौन कौन से फ्रेंड्स हैं आपके? तेरा भैया। इधर देखो, अब भैया और
नहीं आएंगी, मेरी तो और फ्रेंड है, कई लोग हैं मेरे दोस्त। ओके अभी हम पार्टी की डेकोरेशन करेंगे। ओके समोसे बनाएंगे आपको, चॉकलेट्स मिलेंगी, हैं सारी चॉकलेट्स रखी हैं, कैडबरी मिलेंगी आपको, शाम को केक मिलेगा। ओके फ्रेंड्स को लेके आना। ओके गाइस सारी प्रिपरेशन हो गई है, डेकोरेशन हो गई है, सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है हमारा छोटा सा डेकोरेशन। और सेंटा भी आ गए हैं और बच्चों के लिए हम लोगों ने समोसे, चॉकलेट्स और कैडबरीज और छोटे छोटे गिफ्ट्स कुछ रखे हैं इनके अंदर। और आप देख सकते हैं सेंटा होममेड है, हमने घर पे बनाए हैं सेंटा, और सेंटा ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं बच्चों के लिए। और लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्टी और गिफ्ट्स देते हैं बच्चों को। Thank you.
गाइस पार्टी ओवर हो गई है, बच्चे भी चले गए और पार्टी में फुल एंजॉय किया, थोड़ा सा डांस किया। सो बाय, सुबह मिलते हैं, फुल नाइट। सो गाइस पार्टी में बहुत मज़ा आया और अब भूख लगी है सब लोगों को। सो गरम गरम समोसे रेडी हैं विद चटनी। सो बहुत यम्मी समोसे बने थे, वाह। सो गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।